देश के सबसे तगड़े फोर्सेस की बात करें तो उनमें से एक आता है NSG कमांडोज यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इन्हें ब्लैक किट कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है। इनकी काबिलियत की बात करें तो इनका निशाना कभी नहीं चूकता और इनके द्वारा किया गया आज तक कोई भी मिशन फेल नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में कैसे होती है इन ब्लैक किट कमांडोज की ट्रेनिंग। NSG कमांडोज की बहाली डायरेक्ट नहीं की जाती, इनकी बहाली कुछ स्पेशल फोर्सेस के एक्स्ट्राऑर्डिनरी जवानों को चुनकर किया जाता है, जिसमें कि 53% आर्मी से और बाकी के 47% पैरामिलिट्री BSF, CRPF और ITBP से लिए जाते हैं। इन जवानों की मैक्सिमम सर्विस पीरियड 5 साल की होती है, लेकिन 5 साल के सर्विस पीरियड सिर्फ 15-20% जवान ही कर पाते हैं। बाकी के कमांडोज को 3 साल पूरा होते ही उनके मूल फोर्सेज में वापस ज्वाइनिंग करा दी जाती है। भारत के सबसे खतरनाक मिशंस, टेरर अटैक और VIPs की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इन्हीं कमांडोज को दी जाती है। NSG कमांडोज को 2 ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें से एक है स्पेशल एक्शन ग्रुप और दूसरा है स्पेशल रेंजर ग्रुप। इनकी ट्रेनिंग NSG मानेसर में कराई जाती है। यहाँ पर जो भी जवान सेलेक्ट होकर आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो NSG कमांडो बन जाएंगे। 90 दिनों की एडवांस ट्रेनिंग से पहले 1 हफ्ते की ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें कि 15-20% जवान निकाल दिए जाते हैं और उनको उनके मूल फोर्सेज में वापस भेज दिया जाता है। इसके बाद बचे हुए जवानों को 90 दिनों तक एडवांस ट्रेनिंग कराई जाती है। जो भी जवान 90 दिनों की ट्रेनिंग कम्प्लीट कर लेता है वो NSG कमांडो बन जाता है। इसके बाद जवानों की साइकोलॉजिकल टेस्ट ली जाती है, जिसमें उन्हें पास करना अनिवार्य होता है। NSG कमांडो बनने के लिए जवानों की एज 35 साल से कम होनी चाहिए। इनकी 12 हफ्तों तक फिजिकल और मेंटल टेस्ट ली जाती है, जो कि सबसे ज्यादा टफ होता है। फिजिकल ट्रेनिंग में इन्हें जिगजैग साउंड, 60 मीटर स्पिरिट, 100 मीटर स्पिरिट इन 15 सेकेंड, इंक्लाइन पुशअप्स, रॉक क्लाइंबिंग, रोप बैलेंसिंग जैसी कई सारी चीजें सिखाई जाती है, वो भी फुल बैटल लोड के साथ, जिसका वजन करीब 30-40 किलो होता है। इसके साथ ही इन्हें मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जाती है और इन्हें सिखाया जाता है कि बिना हथियार के दुश्मनों को कैसे खत्म करना है, किसी प्लेन के हाईजैक होने की स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसके लिए भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी ट्रेनिंग इतनी एक्सट्रीम लेवल की होती है कि ये एक गोली से एक आतंकवादी को ढेर कर सकते हैं, वो भी आंख बंद करके या फिर कम रोशनी में। इन्हें एडवांस ड्राइविंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें वो VIPs को दुश्मनों से घिरे हुए सिचुएशन में सही सलामत निकाल सकते हैं। इसके साथ ही उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और अब ये 5 सालों तक देश की सेवा करने के लिए तैयार है। NSG कमांडोज ने कई बार देश को आतंकवादियों से बचाया है, चाहे हम 26/11 के हमले की बात करें या फिर 2002 के अक्षरधाम मंदिर अटैक की। इन सभी कठिन परिस्थितियों से हमें निकालने के लिए NSG कमांडोज ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है।